हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप रीगर में है या रीगर में जॉब कर रहे हैं या कोई और साइट पर है तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम हुक के अंदर अटैचमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्रेन का हुक है, मेन हुक या वेब प्लान, अगर हम कोई भी हुक, वो जो क्रेन का जो हुक है उसको हम लोग कोई भी मटेरियल में डायरेक्टली अटैचमेंट करते हैं तो हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे हम बहुत सारी गलतियां करते हैं रीगर के अंदर, जैसे हम लोग बैड प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, जैसे बैड प्रैक्टिस सीलिंग यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये एक बहुत बड़ा बैड प्रैक्टिस है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, वहीं से मैं इस वीडियो को उठाकर आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप हमारे एक फैमिली मेंबर है, ताकि आप अपना जो वर्क है उसको और स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे, ये जो साइट में जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आप पहले देखिए कि एक मटेरियल को दो क्रेन से उठाया जा रहा है, मतलब टेलिंग वर्क किया जा रहा है, टेलिंग मटेरियल को टेलिंग किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इस तरीके से टेलिंग किया जा रहा है। तो एक तरफ सीलिंग यूज़ किया गया है और दूसरी तरफ जो डायरेक्टली हुक लगाया गया, लेकिन इन केस इसके अंदर ये चीज़ है, हुक लगाने से पहले ये रोटेट पोजीशन होने के कारण किरण में जो झटका पड़ा, एक साइड लोड पड़ा, साइड लोड पड़ने की वजह से किरण इंसिडेंट हो गया, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इसमें दो चार गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, फर्स्ट, जो भी सीलिंग का अटैचमेंट हम लोग कर रहे हैं, जैसे हुक के अंदर कोई भी हुक मटेरियल में जब हम लोग कोई भी मटेरियल लगा रहे हैं हुक के साथ, तो उसके अंदर सीलिंग अटैचमेंट होना चाहिए प्रॉपर, या शैकल के साथ अटैचमेंट करेंगे तो ये और बेटर है। जब वहाँ पर हुक है वहाँ पर आप प्रॉपर चेक करेंगे कि वहाँ पर हमें सीलिंग में शैकल का यूज़ होना है या नहीं। अगर यूज़ है तो आप प्रॉपर यूज़ करेंगे, अगर सीलिंग अटैचमेंट है सीलिंग अटैचमेंट यूज़ करेंगे। सेकंड, वायर रोप सीलिंग यूज़ करना है तो वायर रोप सीलिंग भी यूज़ कर सकते हैं एक लोड के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें जो गलती है, जो एक रोटेट पार्ट एक मटेरियल है उसको सीलिंग में ऑलरेडी बांध चुका है और दूसरा हुक को डायरेक्टली अटैच कर रहा है, तो हमें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये जो सेकंड पॉइंट है, डायरेक्टली हुक हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आप जैसा हुक देख रहे हैं डायरेक्टली, जो बैड प्रैक्टिस आप इस तरीके से देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से हुक कट गया है, तो ये सबसे बैड प्रैक्टिस के कारण इंसिडेंट सबसे ज़्यादा हो सकता है। मतलब हम इंसिडेंट को एक बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हमें इस काम में आना है और करना है, क्योंकि हमारा लाइफ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आई होप आप कभी भी बैड प्रैक्टिस से अवॉइड करेंगे और दूसरा जो आपका सेफ प्रैक्टिस है उसको आप हैबिट के अंदर लेके आएंगे। सेकंड, इसमें जो रोटेट पोजीशन है, कभी भी आप कोई भी पाइप वगैरह इस तरीके से टेलिंग कर रहे हैं तो कभी भी उसको लॉक करें। जब तक आप प्रॉपर लॉक नहीं करेंगे, जब तक आपको उसको उठाना नहीं है, आपको पता है जैसे उठने के बाद वो रोटेट पोजीशन आएगा, जब रोटेट आएगा तो साइड लोड आने के कारण किरण पलटी हो सकता है। सेकंड, कभी भी आप लोड कैलकुलेशन आप करते हैं, जिसको लिफ्टिंग प्लान हम कहते हैं, यूटिलाइजेशन कैलकुलेशन, वो 75% से अबाव नहीं होना चाहिए। कहीं 80% चलता है या कहीं 75% चलता है, लेकिन हम अपने अंदर काफ़ी प्रैक्टिस बैड प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो 90% और 95% या 100% में भी लिफ्टिंग कर चुके हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को जब हम अवॉइड करें, हम अपने प्रैक्टिस में एक सेफ प्लान लेकर आए, क्योंकि इनसे इंसिडेंट सबसे ज़्यादा होता है, जो आप भी हादसे के शिकार हो सकते हैं और भी लोग, तो इसलिए हमें हर चीज़ से बचना चाहिए। सेकंड, मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा, जो दो हुक, जो किरण में दो हुक है, जैसे मेन हुक और वेब प्लान जिसको एक्सिलरी हुक भी कहते हैं, तो ये जो दो हुक है, दो हुक से क्या हम लोग टेलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऑफिशियल टाइप से बिल्कुल भी मना है। अगर आप करते हैं तो आपको सावधान होना चाहिए उस जगह पर। अगर आप देखते हैं काफ़ी कंपनी में क्रेन नहीं होता है, वहाँ पर इस तरीके से जुगाड़ करते हैं, लेकिन कभी कभार एक ठीक है, एक एक्सपर्ट के नाते अगर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है तो आप कर रहे हैं तो बिल्कुल
अच्छी बात है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सेफ प्लान बनाते हैं, सेफ लिफ्टिंग करते हैं, तो आप एक अच्छे रिगिंग सुपरवाइजर या रिगिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, अपॉइंटेड पर्सन बन सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों को साइड पर एक प्रैक्टिस करना चाहिए जो हमें अच्छा स्टैंडर्ड के अंदर मिलता है। स्टैंडर्ड के अंदर वही चीज़ जो मिलता है जो उसके अंदर आजमाया हुआ चीज़ें है। जैसे आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि अनसेफ काम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो हाई रिस्क होता है एक्चुअली। तो हमें इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और हमें एक अच्छे काम की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए हम काफ़ी ट्रेनिंग ले सकते हैं और काफ़ी वीडियो वॉच कर सकते हैं, और जब हम काफ़ी वीडियो वॉच करेंगे तो हम अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं, जो हमारे आजू बाजू है उसके भी लाइफ को सेव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।